रहे हैं MNS News Live की खास पेशकश 10 की 10 तक। मैं हूं आपके साथ खुशी, लेकर आई हूं एक नई सस्पेंस भरी स्टोरी। लड़की के पेट और छाती पर चाकू से किए वार, फिर काट लिया खुद का भी गला। बिहार की न्यूज। कुमेर जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक हैवान बन गया। उसने लड़की के पेट, पीठ और गले और छाती पर चाकू से वार किए। चीख पुकार सुनकर लड़की भी की भाभी भी मौके पर पहुंची। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, लड़के ने अपना भी गला काट लिया। इस घटना की सूची मिलते ही भीड़ लग गई। बिहार के कमेरू जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल लड़की को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर शिकायत पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में कई दिनों से एक युवक लड़की से को परेशान कर रहा था। गुरुवार को वह घर में घुस आया और उसने लड़की के साथ छेड़खानी करने में लगा। विरोध करने पर उसने चाकू से कई वार किए। चीख पुकार सुनकर लड़की की भाभी दौड़ कर आई, लेकिन बेखौफ युवक लड़की पर चाकू से हमला करता रहा। इसी बीच उसने अपना भी गला काट लिया। आनन फानन में ग्रामीणों ने उपचार के लिए अस्पताल मोहनिया पहुंचे और छत से लड़की के घर में घुसा था। मोहनिया थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि दोनों एक ही गांव में रहने वाले हैं और दोनों का घर भी आमने सामने है। लड़का छत से लड़की के घर में घुसा था, इसके बाद उसने हमला किया। इस बीच उसने खुद का भी गला काट लिया। लड़के के खिलाफ शिकायत दी गई है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों द्वारा लड़के के खिलाफ शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी लड़के के नाम भोला यादव और चाकू से वार कर घायल किया गया उसका नाम भोला यादव बताया जा रहा है। लड़की के मां का कहना है कि जब मैं घर के बाहर बकरी के लिए घास काटने गई थी, इसी दौरान लड़का आ गया, धमकाया और लड़की के साथ छेड़खानी की और फिर चाकू से वार कर घायल कर दिया। इसी तरीके से स्टोरीज लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS News की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार। ये है MNS News नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS News।